बफर करना है, बफर करो, पूरे औरतों के साथ देखना है। वही मसला हल नहीं होने वाला है जब तक कमिश्नर साहब इस मैटर को सीरियस नहीं लेते, ये मसला हल होने वाला नहीं है। आना होगा, आना होगा, आना होगा। औरतों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, हमें है। ये माइक्रो फाइनेंस जो है ना, लेडीज को बहुत तबाह कर रहे हैं। क्या बोल रहे आप? कौन घर में चाय डालते कहते आधार कार्ड राशन कार्ड सब बंद करते कहते। प्रोटेस्ट नहीं, माँ भी हमारे घरों के पास आके इज्जत से खेल रही। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो भी कर लो बल के बोल रहे मेरे को। अगर मैं सुसाइड कर दूँ, मैंने सुसाइड कर लो बल के बोल रहे। मैं हफ्ते के दिन आके मेरी इज्जत से खेल के गई। क्या करना है कर लो, मरते मरो, हमारे को पैसा दो। तुम अगर नहीं मर रहे तो हम तुम्हारी डेथ सर्टिफिकेट लाते ला के तुम्हारा पैसा माफ कराते। चार चार पाँच पाँच बजे तक बैठ रहे, बच्चों को स्कूल को ले जाना मुश्किल हो गया। मेरी जिंदगी पूरी रोड में तमाशा कर रहे हैं। काली आधा घंटा दे रही हूँ हमारे पानी के लिए। हम पानी कैसे घर कमक जाते हैं। आज तक मेरे घर को ताला डाल के लीडर ने अम्मा सर भी मेरे पूरे बच्चों को खा लेगी। लेकिन घर से कौन? संघ के लीडर के संघ। कौन सा एरिया, कौन सा आपका? मिल्लत नगर में। मिल्लत नगर, मिल्लत नगर में। प्रोस्टिट्यूट रैकेट स्टार्ट करे सर। If you can't pay the amount, if you can't pay the installment, sir, installment, not full amount. If you can't pay the installment, you have to sleep with us. Either we have a friend, you have to sleep with them, that friend will pay that amount. Sir, यहाँ पर वो victims भी हैं, यहाँ पर वो victims भी हैं, मौजूद हैं, जो होटल में ब्लैकमेल करके होटल को लेकर गए सर। माइक्रो फाइनेंस की आड़ में प्रोस्टिट्यूट रैकेट सर। रोचा दे यहाँ को मरो नहीं तो पैसे भरो उनके। अभी दो दिन पहले ग्रामीण में एक एफआईआर हुआ सर, अटेम्प्ट सुसाइड केस है। ये टीम लेके जाकर नौजवान को, लेडी को हॉस्पिटल पहुंचाने से उसकी जान बची है। अटेम्प्ट सुसाइड केस है, एमएलसी हुआ, एफआईआर भी हुआ ग्रामीण में। अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। भरते बोले कभी हमारा टैंक थोड़ा खराब है, हमारा आदमी को आराम नहीं है, बच्चे लोग को आराम नहीं है, अपन कभी नहीं चाहते सर। घर के सामने आठ लोग बजे तक बैठे निम्म ನೀವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಲೋನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ರಿಕವರಿ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಂದ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗಾಗುವ ತೊಂದರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡುವೆ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಸಿಪಿ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಎಸಿಪಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಳದೇ ಇದ್ರೆ. ಸರ್, ಇಸ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಾಪಿ ಹೇ, ಇಸ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪೂರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಖೆ ಹುವೆ, ಪೂರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಲಿಖೆ ಹುವೆ, ಪೂರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಲಿಖೆ ಹುವೆ ಸರ್. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪೂರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ವಾಲಾ ಕೋ ಬುಲಾ ಕೇ ಉನ್ಕೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೇ ಉಪರ್ ಉನ್ಕಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಲೀಜಿಯೇ ಸರ್. ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಜಿಸ್ಸೆ ಯೇ ಲೋಗೋ ಕೋ ಏಕ್ ಸಹೂಲತ್ ಮಿಲ್ ಸಕೆ. ಆಜ್ ಯೇ ಪೂರೆ ಲೋಗೋ ಕೀ ಉಮೀದ್ ಸೇ ಬೈಠೇ ಹುವೆ ಸರ್. ಆಪ್ಸೆ ಮಿಲ್ನಾ ಬೋಲೋ ತೋ ಏಕ್ ಉಮೀದ್ ಥಿ ಸರ್, ದೂಸರಾ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನೇ ತೋ ಮೆಮೋರಂಡಮ್ ದೇ ಕೇ ಚಲೇ ಜಾತೇ ಥೆ. So, can we expect a hope from you, sir, कि आप इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे? सर, एक डिमांड हमारा ये है, आप उनको बुला के स्टेशन ले लीजिए. या औरतों के पास ना कोई काम है ना कोई इनकम है सर, जैसे तो लोन दे रहा ना सर. सिर्फ एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड के बेसिस पर इनको लोन दे रहे सर. वो बंद होना सर, विदाउट कोई इनकम प्रूफ, विदाउट कोई ये जो है ना श्योरिटी के, ये लोगों को सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड पर लोन दे रहे हैं. ये लोगों के पास
भरने का कोई सोर्स नहीं है सर, ये लोग ना काम धंधा करते हैं, छह महीने की आदमियों को लोन नहीं देते सर। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो माइक्रो फाइनेंस को लाइसेंस देते हैं, वो लाइसेंस के गाइडलाइंस है कि कोई रिकवरी ऑफिसर आपके घर नहीं आना। अगर आपके घर आते हैं तो उस माइक्रो फाइनेंस का लाइसेंस कैंसिल होगा। और याद रखिए, ग्रुप लीडर जो अपॉइंट करते हैं वो गैर कानूनी है। वो ग्रुप लीडर, अभी जो कमिश्नर सर आए थे वो बोले हैं कि अगर कोई रिकवरी ऑफिसर या ग्रुप लीडर आपको आगे परेशान करेंगे तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर उसके नाम पे कंप्लेंट दर्ज करेंगे। कंप्लेंट करना, कंप्लेंट। अगर अगर कंप्लेंट नहीं लिए पुलिस वाले, अब क्या रास्ता करो, आप सीधा कमिश्नर ऑफिस जाना। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से तय करके निकलो कि आप एक रुपया नहीं भरेंगे। आप पैसे, आप लोग अब एक पैसा नहीं भरेंगे जब तक डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, जब तक हम लोगों को राहत नहीं मिलेगी, ऑफिशियल अनाउंस देंगे हम एक रुपया नहीं भरेंगे। ये जो औरतों को जो लोन दिया जा रहा है वो बंद होना सर, क्योंकि इनका कोई इनकम सोर्स नहीं है सर। आदमियों को देने का कोई इनकम सोर्स नहीं है। ये लोग मजबूरी में अगर मिल रहा हो तो ले ले रहे सर, भरना नहीं हो रहा। भरना जब नहीं हो रहा है इनसे, इनको इतना मेंटली हैरेसमेंट कर रहे हैं, इनको जो है ना किसी से सोने के लिए मजबूर कर रहे हैं, भरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और ये लोग आदमियों से बात नहीं करते सर, इनके जो हस्बैंड हैं उनसे बात नहीं करते। तुमको दिया तुम बात करो, औरत नहीं भी भरी तो आप गाड़ी पे बैठो और हमारे साथ चलो। बोले घर में के एसेट्स लेके जा रहे हैं सर, इंक्लूडिंग गैस सिलेंडर, ये गैस सिलेंडर को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी लेके जा रहे हैं ताकि घर में खाना नहीं बना सके। लेडीज को ऐसा मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, लेडीज उनके घर में पानी पीने का गिलास तक बाकी नहीं रहा, उन्हें इतने बढ़िया में घुसे ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಿಪಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಈಗ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ, ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ। ಸೊ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಸಿ ಅದು ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅವ್ರು 100% ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಕಾನೂನು। ಆಪ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜೊ ಶಿಕಾಯತೆ ಹೇ, ಆಪ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜೊ ಪರೇಶಾನಿ ಹೇ, जिस तरह से आप लोग परेशानी में संग लिए, अब जो आपको भरने के लिए प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो तमाम चीजें यहाँ पर बात की गई है। बात करने के बाद हमने उनसे ये डिमांड किया है कि जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, कोई भी एक रुपया नहीं भरेंगे, कोई भी एक रुपया नहीं भरेंगे, कोई भी एक रुपया नहीं भरेंगे। जब तक इनके ऊपर इंक्वायरी नहीं होती, इनकी वजह से जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उनको जेलों में नहीं भेजा जाता, जब तक कोई भी औरत एक रुपया संघ के पैसे नहीं भरेंगे। ये बात आप लोग दिमागों में अपने बिठा लो। जो भी एरिया में ग्रुप लीडर हैं, अगर वो भी अगर किसी को परेशान करें तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, चाहे ग्रुप लीडर हो चाहे रिकवरी एजेंट हो। जो भी संघ के पैसे लेने के लिए आपके पास आके आपको डराएंगे, धमकाएंगे, आप लोगों को एक नंबर दिए जाएंगे हमारे, हमसे बात करिए। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपका ना राशन कार्ड बंद होगा, ना आधार कार्ड बंद होगा, ना कोई आपको प्रॉब्लम होगी। कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे, हमारी बहनें कमजोर नहीं है, शेरनिया है। हाँ, हमारी बहनें शेरनिया है जो हर हालात का सामना कर सकती है, हर मुसीबत से लड़ सकती है। लेकिन मेरी बहनों, जो जो संघ का दलदल है इससे बाहर निकलो, इससे बाहर निकलो है तो आइंदा ये चीज नहीं होगी। हरासमेंट कर रहा है तो गुलबर्गा हेडलाइन से रब्ता करो, जनता परिवार से रब्ता करो, जितने भी यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन आए हुए हैं इन सबसे रब्ता करो और कंप्लेन देना जरूरी है। वक्त अगर आया तो अपने हाथ में डंडे भी उठाओ। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आपको कही गई है, जितने भी यहाँ पर खवातीन मौजूद है कान खोल कर एक बात सुनिए। आज आप लोग यहाँ आए, ये माफ हुआ, दूसरा लेंगे वो भी माफ होता, आप लोग तो ऐसे हरकत मत करो। आज के बाद कोई भी संघ में नहीं बैठेगा, ये जिम्मेदारी आपको लेना है, आपको खसम खा के जाना है कि आज के बाद ये सूद खोरे में मुब्तला नहीं होंगे। देखो, हर एरिया के लिए एक अलग टीम रेडी रखी गई है, क्या आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं? या आप अपना संघ भरने के लिए दूसरों के पास से ब्याज बड्डी लिए हुए, अगर वो कोई इंसान आपको परेशान कर रहा तो भी उसके लिए भी हम हाजिर है, क्योंकि आप एक कर्जा मिटाने की तरफ से दूसरा कर्जा में गए, जो दूसरा कर्जा मिटाने की वजह से तीसरा कर्जा में गए,
तीसरा मिटाने की तरफ से चौथे में गए। तो आप अपनी मुश्किल आसान करने के लिए, आपकी इज्जत घरों की बचाने के लिए आपको जो समझ में आया आप लोग वो करे। आप खुद से करना नहीं चाहते थे, कोई आपकी इज्जत बाहर लाना नहीं चाहता था। आपको एक एक हर एक जो है ना गुलबर्गा हेडलाइंस की तरफ से एक नंबर, एक चार नंबर दिए जाएंगे। अगर कोई औरत आपका आपके घर पे आकर टीम बनाकर आपको जो बात कर रही है, फौरन उसका वीडियो लेना। क्या फौरन उसका वीडियो लेना, उसका नाम और उसका एड्रेस, उसका इतना सब लेके जो है ना हमारे को फोन करना। हम आपके पास मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट के अंदर आपके पास हम पहुंचते। अगर कोई सर अगर फोन पे उशारी कर रहा है या घर के बाजू आज उशारी कर रहा, उसे वहीं पर चप्पल से मारना। हम आपके साथ हैं। मैं आपको खुले अल्फाज में बोलूं, अगर कोई संघ के लीडर अगर कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही, उसे भी चप्पल से मारो। क्या और उसके ऊपर पूरा एरिया मिलके एफआईआर करने आना है। गुलबर्गा हेडलाइंस की न्यूज में नंबरा देते, गुलबर्गा हेडलाइंस की न्यूज जो है ना आज ये मुकाम पे लाया है सब औरतों को। आज यहाँ पर हमारी जितनी भी बहने, माए बहने, हमारे जितने भी भाई आए हुए हैं, खड़े हुए हैं, आप इनके इस्तेराब को देख सकते हैं, इनकी कैफियत को देख सकते हैं, इनकी हालत को देख सकते हैं, इनकी बेचैनी को देख सकते हैं, इनकी परेशानी को देख सकते हैं कि जलती हुई धूप में, तपती हुई धूप में, जलते हुए सूरज के नीचे आकर ये खड़े हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि ये दिन रात इस परेशानी से जूझ रहे हैं, सुबह शाम इस परेशानी का शिकार हो रहे हैं, सुबह शाम इस परेशानी की वजह से, इस संघ नामी सूद कारोबार की वजह से इनका जीना मुश्किल हो चुका है, इनकी जिंदगियां मुश्किल हो चुकी है। जुलम होता है, टॉर्चर होता है, उसके ऊपर बोले तो जो है इंटरेस्ट से पैसे लाकर मेरे फाइनेंस संघ वाले को देते हैं। तो इसमें आज हमारे लोग बोले तो शिकार हो गए, और किसी इज्जत का मामला है, किसी का जहर खाकर मामला, तकरीबन लोग जो है जुलम की शिकार हो चुके हैं।